Asalaamu as alaikum dear students today we are going to start a new chapter of our sst book chapter number 14 titled as Shah Jahan in this chapter i will teach you all about Shah Jahan's rules and what did he do what did he do during his rule so Shah Jahan was the son of Jahangir Shah Jahan was Jahangir's son he became ruler of Mughal dynasty in 1627 CE जो शाहजहां था वो मुगल मुगल एम्पायर का बादशाह बना 1627 कॉमन एराम है वॉट डिड ही वांटेड टू डू ही वांटेड कि वो अकबर की तरह एक बहुत ही ब्रिलियंट रूलर बने और उसने और अपना जो वो मुगल एम्पायर था वो एक्सपेंड करे एज दे ऑलरेडी हैड एक्सपेंडेड देयर एम्पायर इन नॉर्थ नाउ दे नाउ ही वॉन्टेड कि वो साउथ इंडिया भी जो है वो कनकरर करे वो अपने रूल के अंडर एम्पायर के अंडर लाए और वो उसमें कामयाब भी हुआ उसने बहुत सारे डेकन में जो uh, जगहें थी उसने वो सारे जो है अपने अंडर लाए नाव टुडे इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट शाहजान रीन शाहजहान जो है उसके चार में क्या क्या हुआ था शाहिजान सरीन ड्रीन जो है यहाँ पे इसका मतलब है शाहजहाँ जब उसकी चार्ज में था जब उसकी वो कंट्री या उसका मुगल एम्पायर उसके अंडर था उसमें क्या हुआ था फॉरेन ट्रैवलर्स जो है वो भी शाहजहान के टाइम पे इंडिया आए और उन्होंने बहुत सारा अच्छाइया लिखी थी वो फिर लिखते थे वो अपने डायरी मेंटेन करते थे या एनी थिंग बायोग्राफी कुछ भी वो लिख लिखते थे तो उसमें उन्होंने क्या किया उन्होंने शाहजहाँ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है और उसके जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की भी काफी तारीफ की है दे हैव ऑलवेज प्रेज्ड हिम कि वो कैसे ब्रिलियंटली वो अपने इसको अपने ये करता था रूल करता था मुगल एम्पायर को अपने लोगों को वो कैसे खुश रखता था वो सब उसने उन्होंने उसमें मेंशन किया हुआ है उसका जो रीन है उसका जो दौर है उसको गोल्डन एज ऑफ मुग़ल एम्पायर बोला जाता है ऐसा क्यों क्योंकि जो एक तो उसने उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए इवन आज भी उसके जो ये है शाहजहान के जो आ, ये आर्किटेक्ट्स है वो आज भी फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड उसने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है मुगल एम्पायर में वो आज भी माना जाता है वो आज भी यादगार है उसके जो लोग थे ना और उसके जो जो लोग थे उसके मुगल एम्पायर के देवर वेरी हैप्पी ड्यूरिंग हिज रूल उसका जो एम्पायर है वो प्रॉस्पर वो मतलब वो तरक्की कर रहा था उसके टाइम पे उसके टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर था लोगों को पीस एंड सिक्योरिटी थी वहाँ पे अफरा तफरी नहीं थी वहाँ पे भेदभाव नहीं था सो तो जो उसकी प्रजा है वो काफ़ी खुश थी उसके आ, रूल करने से फिर क्या हो गया इन फिफ्टीन सेंचुरी जो फिफ्टीन सेंचुरी कॉमन एरा है उसमें क्या हुआ पुर्तगीज़ आए एज ए ट्रेडर्स टू इंडिया क्या क्या उनको उन वो चाहते थे कि वो ट्रेड करने आए थे एक तो उनको स्पाइसेस चाहिए थे फ्रॉम इंडिया एंड कॉटन टेक्सटाइल चाहिए थे उनको इंडिया से फिर बाद में क्या हो गया धीरे 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 यूरोपियन ट्रेडर्स कंपनी जो है वो भी uh, आने लगी सच एज फ्रेंच डच एंड द ब्रिटिश ऑल्सो केम टू इंडिया फॉर ट्रेड जो फिर बाकी क्या है जो यूरोप पियंस ट्रेडर्स थे जैसे कि फ्रेंच था डच था या ब्रिटिश थे वो भी इंडिया को आए फॉर द पर्पस ऑफ़ ट्रेड मगर फिर उन्होंने ट्रेड की आड़ में बाकी आगे क्या किया रेस्ट इज हिस्ट्री यू नो उन्होंने फिर ब्रिटिश ने आके फिर कैसे यू uh, नो you know, अपना कब्ज़ा जमाया इंडिया पे? क्या किया उन्होंने क्या उन्होंने कैसे इंडिया को अपने रूल के आ?